नमस्कार मंडळी, मी सुशील लोणकर, भक्त मारुती रायाचा आजच्या व्हिडिओत तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। तर आपण सध्या आलेलो ज्या ठिकाणी आपले पंडित प्रदीपजी मिश्रा थांबलेले आहेत, तर या ठिकाणी तुम्ही पब्लिक पोहू शकते किती सारी आलेली आहे महाराजच्या दर्शनासाठी। आणि आजचा शिव महापुराणचा सातवा दिवस आहे म्हणजेच समाप्तीचा। अशा प्रकारे मंडळी आपण सध्या स्टेजच्या मागून आलेलो आहोत। या ठिकाणी सगळे जेवढे आपले प्रदीप मिश्रा महाराजांची जेवढे बॉन्सर बॉडी गार्ड आहेत ते या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। आम्ही आता एक फोटो शूट करणार आहे चांगल्या प्रकारे। आपकी जगह होती है तो मैं प्रेम सिंह देश वासी से मेरा वही मन कर दिया प्रथम प्रयोग आस्था के लिए प्रथम प्रयोग पंडाल का सुंदर विश्वास के साथ लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी। लड़की की जो देखो गिरने वाला है।
बालकथा व भागवताचार्य श्री कृष्णजी दिवे महाराज आपण यांच्याशी चांगल्या प्रकारे बोलू आता. सर्वप्रथम आपका नाम? अच्छा, आप कितने साल के हैं अभी? अभी हम 12 साल. 12 साल के हैं. मतलब ये भागवताचार्य में कैसे क्या आपका मन गया एक प्रकार का? हमने गुरुदेव परदे मिश्रा जी की कथा नए गांव में श्रवण करी थी, उनसे प्रेरणा मिलकर हम वृंदावन गए. अच्छा, ऐसा हुआ. और कितने साल आपने वहाँ पे, मतलब? 2 साल. 2 साल में पढ़े. अच्छा, ऐसा है. आपने अभी तक कितने भागवत वगैरह किए? प्रथम थे. प्रथम थे? हाँ. क्या बात है. और इतने प्रथम होने बाद भी इतनी सारी पब्लिक देख के आपका मन, मतलब पैसा? थोड़ा डर तो लगा लेकिन प्रभु का नाम लेके. अच्छा अच्छा अच्छा. आप अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए हमारे को. हमारे मम्मी पापा पिताश्री भी हमारे साथ नए गांव में कथा श्रवण करने गए थे, तो पिताश्री ने कहा कि भागवत कथा करोगे? जैसे ही कह रहे तो हमने हाँ कह दी. देखिए, गोविंद को जब कृपा करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं. तो उन्हें मुझ पर कृपा करनी थी तो सबसे पहले मेरे पिताश्री पर कृपा करी, भक्ति उनके हृदय में उत्पन्न करी, फिर मुझको प्रेरणा मिली और माता पिता के सुभाषरे लेकर हम वृंदावन. अच्छा, अभी आपके माता पिता को कैसा लग रहा है आप इतना, मतलब इतने छोटे उम्र में आप इतना सारा, मतलब भागवता कर रहे हो? तो बहुत हो रही है माता पिता. पिताजी का तो आनंद का परावार नहीं बता ही नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते. ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए. राम कृष्ण हरि, जय श्री राम. राधे राधे. हमारा हिसाब बराबर हो गया. शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो. जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना. तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा. मेरा महादेव जो पलट कर मारेगा जिंदगी भर रोएगा.